टू एग्जीक्यूट द एपीएम वी रिक्वायर सम कॉन्फ़िगरेशन ऑन अवर सिस्टम. द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज दैट वी रिक्वायर द जावा डेवलपमेंट किट एंड वी हैव टू सेट द जावा अंडरस्कोर होम एंड पाथ वेरिएबल्स इन माय एनवायरमेंट वेरिएबल. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट वी हैव टू डाउनलोड द एंड्रॉइड स्टूडियो. तो उसके लिए यू हैव टू गूगल डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो. वहां से यू विल गेट द लिंक एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द एंड्रॉइड स्टूडियो लाइक दिस एंड इट विल बी डाउनलोडेड ऑन योर मशीन. Okay. It will take some time to download. In the meantime, इट इज डाउनलोडिंग दिस है ना एंड्रॉइड स्टूडियो. मैं एक और चीज डाउनलोड कर रहा हूं. गो टू द गूगल डॉट कॉम अगेन एंड राइट simply write download node.js. go to this node.js window installer. Okay, so java we have downloaded and installed on our machine. Android Studio we are downloading and Node.js also we are downloading. ठीक है, अब ये डाउनलोड होने चाहिए थोड़ा सा. Node.js is downloaded. Okay, तो we'll go to this Node.js setup and double click and install the Node.js on our machine. ये npm command चलाने के लिए use करी जाती है. और इसके लिए अभी हम लोग जब apm server को install करेंगे और उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे तो वो उसके लिए हमको नोड जीएस की रिक्वायरमेंट होती है. तो नोड जीएस से अभी हम उसे इंस्टॉल करेंगे. उसके लिए एनपीएम कमांड चाहिए होती है हमारे को, तो इसलिए हम लोग उसको इसको डाउनलोड कर रहे हैं. Node.js का हमारे को कोई एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं करना जैसे जावा का हम लोगों ने सेट करा था. बस यू हैव टू जस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट. एंड इसकी रिक्वायरमेंट होती है टू इंस्टॉल द एपीएम सर्वर. फॉर दैट वी रिक्वायर द नोड कमांड एनपीएम कमांड. उसके लिए हमको इसकी रिक्वायरमेंट होती है. अभी कुछ चल रहा है क्या मशीन पर? क्योंकि इट इज नॉट विजिबल ऑन माय मशीन. अभी कुछ चल रहा है क्या एग्जीक्यूशन सर सिस्टम पर? हेलो, हाँ हाँ हाँ, कर दीजिए उसको अलाउ. ओके, नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग. क्योंकि इट इज वो मेरी मशीन पर थोड़ा फ्रीज हो गया था. ओके,
फिनिश फिनिश कर दी, ठीक है। तो नोड जी एस इज नाउ इंस्टॉल्ड, कोई बात नहीं, छोड़ दी, जो से माउस छोड़ दी, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके ठीक है, नाउ इट इज इंस्टॉल्ड, एक बार चेक कर लेंगे। हाँ यस कर दीजिए। तो इट विल जस्ट, यू हैव टू जस्ट डू यस एंड एक्सेप्ट द टर्म्स कंडीशंस एंड इट विल इंस्टॉल इट एंड इट विल ऑटोमेटिकली सेट द एनवायरमेंट वेरिएबल। हमको खुद से मैनुअली वी डू नॉट हैव टू सेट एनी एनवायरमेंट वेरिएबल एटसेट्रा, जो जस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल द नोड जेएस। ओके नाउ यू कैन मिनिमाइज इट एंड ओपन द क्रोम ब्राउजर। आई थिंक एंड्रॉइड स्टूडियो विल ऑल्सो बी डाउनलोडेड। यस यू कैन गो एंड यू कैन स्टार्ट द सेटअप फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो ऑल्सो, डबल क्लिक एंड इंस्टॉल इट। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। हेलो हेलो, कुछ नहीं, कुछ ठीक है, गो क्लिक ऑन द नेक्स्ट इंस्टॉल। हेलो बोलिए, बताइए कौन। ओके यू कैन मिनिमाइज दिस स्क्रीन, जस्ट जस्ट अ सेकंड, डू नॉट क्रॉस एनीथिंग। ओके इंपोर्ट क्रॉस मत करना, बस ये ना डू नॉट इंपोर्ट द सेटिंग्स। ओके अब क्योंकि पहले आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को तो इंस्टॉल नहीं कर रखा था ना पहले अपनी मशीन पर, अगर पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो वी कैन इंपोर्ट, सो डेट अगर पुराना इंस्टॉलेशन है तो उसको इंपोर्ट कर सके, अदरवाइज डू नॉट इंपोर्ट द सेटिंग। ओके पर क्लिक करें। एक मिनट, सेंड व्हाट इज दिस, सेंड यूसेज टू द गूगल हेल्प इम्प्रूव दिस एंड्रॉइड स्टूडियो, डोंट डोंट सेंड कर दीजिए एक बार। ओके अब छोड़ दीजिए दो मिनट। ओके तो नाउ इट इज शोइंग मी वेलकम स्क्रीन, क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट। ओके स्टैंडर्ड, क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट नेक्स्ट
and we have to accept the license for everything. Accept. 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 जितने भी हैं इनको सबको सेलेक्ट करना है हमारे को, और सेलेक्ट करके हमको एक्सेप्ट करना है, लाइसेंसिंग हमको सबके एक्सेप्ट करनी है, और उसके बाद ये फिनिश के ऊपर क्लिक देगा। कई बार होता है कि हम लोग इसको तो इंडिविजुअली क्लिक करना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा एक्सेप्ट, फिर यहाँ पर भी क्लिक करना पड़ेगा एक्सेप्ट, एंड देन फिनिश। क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है क्या? स्टार्टिंग डाउनलोड। ओके ओके, वेट कर लिया। इसको बंद कर सकते हो, यू कैन क्लोज दिस विंडो, क्रॉस से बंद कर दीजिए। वेट करिए 2 मिनट। ओके, नाउ इट हैज स्टार्टेड द डाउनलोडिंग द कंपोनेंट्स। इन द मीन टाइम, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम, तो इन द मीन टाइम हमारे को अपनी मशीन के ऊपर जावा 8 की भी जरूरत पड़ेगी आगे चलकर। अभी तो अभी नहीं, लेकिन आगे अभी हम लोग जब काम करेंगे तो हमको जावा, क्योंकि अभी हमारी मशीन पर व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंस्टॉल्ड JDK 21, ठीक है, विच इज़ अ लेटेस्ट वर्जन। लेकिन अभी हम लोग आगे जब जब काम करेंगे तो वी ऑल्सो रिक्वायर द ओल्डर वर्जन ऑफ द जावा। तो इन द मीन टाइम इट इज इंस्टॉलिंग, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऑल्सो डाउनलोड JDK 8। तो बेसिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर डूइंग। यहां से यू कैन डाउनलोड विंडोज X64, दिस वन। चेक ऑन दिस बटन, ओके, एंड डाउनलोड, क्लिक ऑन दिस डाउनलोड। नहीं हो जाए, अच्छा यहां पर अकाउंट इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, 2 मिनट, लेट मी यूज माय अकाउंट।
आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कर लीजिए एक अकाउंट अपना। जी वो देना पड़ेगा कोई नंबर आपको, नहीं तो वो रिमूव द प्लस 91 को रिमूव कर दीजिए। जॉब टाइटल भी दे दीजिए। एक बार अपना अकाउंट को वेरीफाई कर दीजिए अपने ईमेल पर जाकर, मोबाइल से ही कर लीजिए, मोबाइल पर भी आपके पास होगा। ओके यू कैन, ठीक है इतने ही। अभी ये डाउन हमारा इंस्टॉलेशन चल रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो का। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर मोबाइल ऑल्सो, देन वी कैन डाउनलोड इट। एक बार मेरे पास विजिबल नहीं आ रहा वो। ये कहां पर आ रहा है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आ रहा है क्या मैसेज? आपको वहां पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगा ना मेल, उसके ऊपर किसमें एक बार भेजिए मेरे को, मेरे पास फोटो। हाँ यस यस कर दीजिए इसको। यस कर दीजिए। नाउ यू कैन चेक, गो टू योर ईमेल ना, वहां पर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। अपने एक बार ईमेल अकाउंट पे जाइए, वेरीफाई कर दिया आपने? वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज इस देर है ना, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू यूज योर अकाउंट। अपना एक देखिए ईमेल ईमेल ओपन करिए आपका, वहां पर एक वेरिफिकेशन का एक उन्होंने लिंक भेजा होगा, वी सेंट अ ईमेल। तो अब आप यहाँ पर एक बार उस साइन इन करिए जरा। आप यूजर नेम जो आपने डाला था ना, ईमेल आईडी वो डालिए और पासवर्ड डालिए, साइन इन कर लीजिए। जो भी आपने अपना ईमेल आईडी डाला था ना, शायद यही वाला है क्या? पासवर्ड एक बार चेक कर लीजिए। चलिए छोड़ ही रहने दीजिए, बाद में करेंगे, छोड़ दीजिए। कर दिया ना वेरीफाई। अब देखिए जो अभी आपने क्रिएट कर रहा है ना नया न्यू अकाउंट, वही वाला इन्फॉर्मेशन डालिए इसमें। ठीक है नहीं है,
चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। मतलब JDK 8 की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसे। बाद में मैं अकाउंट क्रिएट कर कर चेक कर लूँगा क्या है। अभी इसी को भी एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग कंपोनेंट्स, तो हमने एंड्रॉइड स्टूडियो को ऐसे डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब जब एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड होता है तो ये हमारे को एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहता है। उस न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करिए, यहाँ से आप बेसिक ले लीजिए, बेसिक व्यू एक्टिविटी को ले लीजिए, छोड़ दीजिए मैं कर रहा हूँ। बेसिक व्यू एक्टिविटी पर क्लिक करना, ये वन टाइम ही है, आपको एवरी टाइम नहीं करना, फर्स्ट टाइम ही करना है, ओनली फर्स्ट टाइम जब व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग, और उसी टाइम पर ही आपको करना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक टेस्ट, ठीक है। और यहाँ से हमारे को लैंग्वेज के अंदर सेलेक्ट करना है जावा, ठीक है, बाकी वो अपन आप ही ले लेगा। बेसिक API एवरीथिंग इट विल टेक ऑन इट्स ओन, ठीक है, और देन क्लिक ऑन द फिनिश। ओके, तो नाउ इट विल, ये जो है ये बेसिकली इट इज फॉर द डेवलपर, जो जो आपके एप्लीकेशन जो आपकी एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं उन लोगों के लिए है ये। अभी मेरी लाइट लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया है, दोबारा से आपको जनरेट कोड करके देना पड़ेगा। अभी मेरा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, यहाँ पर आपको एक बार रीजनरेट कोड करके फिर मेरे को सेंड करना पड़ेगा। वही जो आपका क्रोम स्टूडियो ना, वहां पर आपका प्लगइन्स है, वहां पर जाकर आप देखेंगे तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा यहाँ पर क्रोम रिमूव डेस्कटॉप का। आपके क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, देखिए आप एक बार, नहीं तो स्क्रीन शेयर करिए, अपने दिखाता हूँ मैं एक बार, स्क्रीन शेयर करिए दोबारा से। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे को ये न्यू प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट टाइम ये बना देगा। इसके अंदर हमारे को इस कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है ये डेवलपर के लिए, हमारे लिए है, हमारे लिए इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। हमको क्या करना है, हमारे को यहां पर आपको दो मिनट दीजिएगा मेरे को, इसलिए उन्होंने लेआउट चेंज कर दिया इसका। हमको यहाँ पर एक वो नजर आएगा SDK मैनेजर, वही मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ पर नजर आ रहेगा हमारे को, वेट करिए।
डिवाइस मैनेजर, ठीक है, डिवाइस मैनेजर से तो देखिए डिवाइस इसने क्रिएट कर दिया, इसे कहते हैं वर्चुअल डिवाइस। ये हमारे एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, जब हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये हमारा वर्चुअल डिवाइस कनेक्ट हो जाए क्रिएट हो जाता है। तो लेकिन अभी हमारे को इसको यूज नहीं करना, मैं तो कुछ और चीज दिखा रहा हूँ। ये तो असिस्टेंट आ रहा है, ये रनिंग डिवाइसेस, अभी कोई रनिंग डिवाइस नहीं है हमारे पास। डिवाइस मैनेजर में ये हमारा डिवाइस क्रिएट हो गया, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। अभी शायद अभी इसका इंस्टॉल, ये अभी वर्किंग चल रही है इसके अंदर। और ये हमारा ग्रेडल का हमको मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन से हमको मतलब नहीं है। डिवाइस मैनेजर चलिए कोई मैं अभी चेक करके बताता हूँ, क्योंकि इसमें ना एक हमारे पास अच्छा यहाँ पर आ रहे एस डी के मैनेजर के लिए उन्होंने अपना वो चेंज कर दिया ना, लेआउट चेंज कर दिया। तो यहाँ पर टूल्स में जाएंगे हम लोग, ये देखिए ना टूल्स, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये डिवाइस अपने आप ही क्रिएट करेगा जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। और उसके आप जैसे आपको मैंने दिखाया प्रोसेस आपके सामने चल रहा है, और उसके बाद ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर डिवाइस तो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर से यहाँ पर आपको जाना है टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर आपको यहाँ पर क्लिक करना है एसडीके मैनेजर के ऊपर, ये एसडीके मैनेजर। और एसडीके मैनेजर के अंदर आपको यहाँ पर एसडीके टूल्स नजर आएगा, ये एसडीके टूल्स, इस एसडीके टूल्स को आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स नजर आ रहा है हाइड ऑब्सोलीट पैकेजेस, इसको आपको अनचेक करना है। आप इसको जब अनचेक करोगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा ये रहा एंड्रॉइड एसडीके टूल्स ऑब्सोलीट नॉट इंस्टॉल्ड। बाकी सब चीजें तो उसने अपने आप इंस्टॉल कर दी, लेकिन इसको इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि ये ओल्डर वर्जन है, ऑब्सोलीट है। तो इसको जब अनचेक करोगे तभी ये विजिबल में नजर आएगा, ठीक है। ये रहा नॉट इंस्टॉल्ड, इसको हमको इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड एसडीके टूल्स, इसको आप ऑब्सोलीट, इसको चेक करिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो ये इसको, तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे जो भी एमुलेटर्स और जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म वर्जन वगैरह उसको सबको वो डाउनलोड कर देता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अपना तो उसका एक डिफॉल्ट एमुलेटर भी क्रिएट कर देता है। लेकिन इसके अंदर हमारे को टूल्स कर एक हमारा होता है वो उसको इंस्टॉल नहीं करता है। तो उसके लिए आपको एसडीके मैनेजर में जाना पड़ता है, और एसडीके मैनेजर में जाकर आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है जैसे ये कर रहा है हमारा। तो इसने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हमारा, उसने यहाँ पर एसडीके के अंदर हमारा इंस्टॉल को डन कर दिया। तो हम इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है, हमारा हो गया फिनिश। अब इसकी अभी हमारे को प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर से क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, एग्जिट, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर आकर आकर देखेंगे अपनी मशीन के ऊपर तो आपके सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर आपके नाम का जो फोल्डर नजर आ रहा है आपको अनिकेत, इसके अंदर आपका एक हिडन फोल्डर होता है, वैसे नजर नहीं आएगा आपको, बट व्हेन यू टाइप इट तब आपको नजर आएगा /app data, ये हमारा एक हिडन फोल्डर होता है। और ऐप डाटा के अंदर आपको नजर आएगा लोकल, और लोकल के अंदर आपको नजर आएगा एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड के अंदर आपको नजर आएगा एसडीके। और ये सारे एसडीके के जो है ये उसने हमारे डाउनलोड करे थे, ये हमने टूल्स, ये ऑब्सोलीट पैकेज जो अभी हम लोगों ने ऐड कराया, ये वाला टूल्स, ये बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होता है। जब हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को नॉर्मल इंस्टॉल करेंगे तो उससे ऐड नहीं होगा, हमको बाद में जाकर प्रोजेक्ट से जाकर उसको एसडीके मैनेजर से जाकर उसको ऐड करना पड़ेगा, तो वो नजर आएगा।
तो ये हमारे यहाँ पर ये एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड्रॉइड एसडीके इंस्टॉल हो गया इस लोकेशन के अंदर। यहां से मैं इसको फिर से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, मिनिमाइज कर दीजिए। और उसके बाद हम मेरे को इसका भी एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए फिर से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर जा रहे हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल के ऊपर जा रहे हैं, क्लिक कर दिए एनवायरमेंट वेरिएबल के ऊपर, न्यू पर क्लिक करिए, हाँ ऊपर वाले में यूजर के अंदर ही, यहाँ पर कैपिटल में लिखेगा एंड्रॉइड, ANDROID, एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम। जैसे हमने जावा अंडरस्कोर होम का एनवायरमेंट सेट करा था वैसे एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम, पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी, एक बैक स्लैश लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद पाथ के ऊपर जाइए, डबल क्लिक करिए पाथ के ऊपर। अब यहाँ पर एक बार हम लोग वापस से अपने यहाँ पर आते हैं, जो हमने जो नीचे हमारा जो फोल्डर खोला हुआ था उस पर क्लिक करिए जरा, नीचे जो हमारे फाइल फाइल वाला जो है, हाँ इस पर ओपन करिए, हाँ इसके अंदर अब एसडीके के अंदर हमारे को प्लेटफॉर्म टूल्स के ऊपर डबल क्लिक करिए, प्लेटफॉर्म टूल्स नीचे, हाँ और इसका पाथ को कॉपी कर लीजिए प्लेटफॉर्म टूल्स तक के, कंट्रोल सी। अब वहां पर जाइए, पाथ में जाइए, न्यू पर क्लिक करिए और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एक तो टूल्स तक का एनवायरमेंट हमको सेट, ओके पर क्लिक कर दीजिए, फिर वापस से बैक जाइए उसी के अंदर ही, हाँ यहाँ पर बैक जाइए। अब आप यहाँ पर क्लिक करिए एमुलेटर के ऊपर, डबल क्लिक करिए एमुलेटर, इसको भी कॉपी करिए पेस्ट कर दीजिए न्यू न्यू के अंदर ही, हाँ पाथ के अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, पाथ के अंदर, पाथ में डबल क्लिक, फिर न्यू पर क्लिक करिए पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके मत करिए अभी, वापस से जाइए डायरेक्टरी के अंदर, वापस जाइए डायरेक्टरी में, बैक जाइए, अब टूल्स के अंदर जाइए, टूल्स के अंदर, टूल्स टूल्स, इसको भी कॉपी करिए, वापस जाइए वहां पर पाथ में जाइए, पाथ में न्यू पर क्लिक करिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे को क्या काम करना है, हमारे को एंड्रॉइड अंडरस्कोर होम का एक तो एनवायरमेंट सेट करना है, जो हमारी होम डायरेक्टरी है जहां पर एंड्रॉइड एसडीके इंस्टॉल हुआ है, और उसके अलावा हम लोगों को पाथ के अंदर जैसे जेडीके बिन का एनवायरमेंट सेट करा है, वैसे ही हमको एसडीके के अंदर प्लेटफॉर्म टूल्स और एमुलेटर और टूल्स, इनका हमारे को पाथ सेट करना है। ओके पर क्लिक कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारा। तो अगर मैं इतने को सम अप करूं, तो हम लोगों ने क्या क्या करा, वी हैव डाउनलोडेड जावा लेटेस्ट वर्जन 21 एंड इंस्टॉल्ड इट ऑन अवर मशीन एंड सेट द एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर जावा। सेकंड, वी हैव डाउनलोडेड एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन अवर सिस्टम, और आपने उसका देखा भी, हम लोगों ने कैसे सब चीज़ें कन्फिगर करी थी उसके अंदर, एंड देन क्रिएट अ प्रोजेक्ट, वो भी अभी हम लोगों ने देखा था कैसे क्रिएट करा, एंड देन उसी के अंदर से ही ऐड द टूल्स ऑब्सोल्यूट पैकेज में, जैसे आपने देखा था, और इट विल बी डन। देन वी हैव टू सेट द एनवायरमेंट वेरिएबल, जो अभी हम लोगों ने करा, इतना काम हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। नाउ अब अगर मेरे को, मैं दो तरीके से काम कर सकता, एक तो मैं एमुलेटर के थ्रू काम कर सकता हूँ, एक मैं फिजिकल डिवाइस के थ्रू काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब एमुलेटर को चलाने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, ज़्यादा का मतलब है थोड़ा रैम हमारे को अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग स्पीड हमारी अच्छी होनी चाहिए, देन एमुलेटर विल वर्क, नहीं तो वो वर्क नहीं करता है, तो उस केस में हम लोग फिजिकल डिवाइस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों को यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो नाउ इन आवर प्रोग्राम फाइल्स, अभी आपको यूजर्स में नहीं जाना, पहले हम यूजर्स में गए थे, अब हम प्रोग्राम फाइल्स में जा रहे हैं, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉयड मिल जाएगा, ये रहा एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो बिन, और बिन के अंदर आपको यहाँ पर एक बैच फाइल नजर आएगी, स्टूडियो की बैच फाइल, स्टूडियो बैच फाइल, दिस वन। इस बैच फाइल को आपको डबल क्लिक करना है, तो आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करा था एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन,
इट विल ऑटोमेटिकली लॉन्च दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये देखिए यहां से वन टाइम ही आपको करना है तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट में जाकर ये हमने दिखाया था डिवाइस मैनेजर में, ये एमुलेटर हमारा है, ठीक है, इसकी हमको ऐसे जरूरत नहीं है, फिर भी आप नेक्स्ट करना चाहते कर दो कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज माय एमुलेटर, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एमुलेटर इधर से प्ले बटन है स्टार्ट, इट विल स्टार्ट द एमुलेटर ऑन योर मशीन। अगर वो सिस्टम डिपेंडेंट है, अगर सिस्टम के रिसोर्सेज होंगे सही तो इट विल स्टार्ट। लेट अस चेक, अलाउ, ठीक है, तो इट विल लॉन्च द एमुलेटर लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ, टाइम लगेगा, 2 मिनट और दीजिए, अभी ये चल रहा है यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग। अब आप फिजिकल डिवाइस को भी एक बार अपना अपने पास रख लीजिए जो आपका फिजिकल डिवाइस है, और उस फिजिकल डिवाइस में आप जाकर सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, और सेटिंग्स में जाकर आप सर्च करिए अबाउट फोन, और अबाउट फोन के अंदर आपको सर्च करिए बिल्ड नंबर, ठीक है, बिल्ड नंबर होता है हर एक डिवाइस के अंदर, अबाउट फोन के अंदर बिल्ड नंबर होता है, एमुलेटर में भी होता है। अब जैसे मैं एमुलेटर के ऊपर अगर काम करूं, जैसे दिस इज माय एमुलेटर जो हमारे सामने ओपन हुआ, तो इसके अंदर भी हमारे को सेम प्रोसेस करना। देखिए मैंने यहां पर इसको स्क्रॉल अप करा, यहां पर मेरे को सेटिंग्स नजर आ गए। वैसे आपके मोबाइल में भी, फिजिकल डिवाइस में भी सेटिंग्स नजर आएगा, आप उसको देखेंगे, और सेटिंग्स के अंदर जैसे मैंने यहां पर क्लिक करा, तो यहां पर आप जाकर देखेंगे तो आपको यहां पर सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पर सर्च सेटिंग्स में जाकर सर्च भी कर सकते हो बिल्ड नंबर, और नहीं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो अबाउट एमुलेटेड डिवाइस, जैसे हमारे पास अबाउट फोन होता है वैसे अबाउट एमुलेटेड डिवाइस, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। बिल्ड नंबर, ऐसा बिल्ड नंबर, वैसे आपका रियल टाइम डिवाइस में भी आपको नजर आएगा। इस बिल्ड नंबर पर जो नीचे बिल्ड नंबर लिखा है, इस पर आपको 7 to 8 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यू आर नाउ अ डेवलपर, आप सेटिंग्स में जाइए, और सेटिंग्स में जाकर सर्च, सर्च आता है ना ऊपर लिखा हुआ सर्च, उसमें जाकर लिखिए बिल्ड, BULD बिल्ड लिखिए, और सर्च करिए, उसको नजर आ जाए। आया, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर जाकर आपको ऊपर सर्च होता है, सर्च में नहीं तो अबाउट फोन सर्च करिए, आप सर्च करिए ना यहां पर जो आपके आपके मोबाइल के अंदर, आप सर्च में जाइए, ऐसे मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सर्च सेटिंग्स आते हैं ना, यहाँ पर जाकर ऐसे यहाँ पर जाकर तो बिल्ड बिल्ड नजर नहीं आ रहा आपको क्या, ऐसे ऐसे बिल्ड नंबर लगा नजर नहीं आ रहा आपको, हर मोबाइल में आता है नजर। एवरी डिवाइस में होता है, कोई उससे फर्क, बिल्ड नंबर के बगैर कोई भी डिवाइस नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। तो आपके आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, आपके पास, हाँ तो इसमें भी बताएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बताए, हर डिवाइस में होता है, बिना बिना बिल्ड नंबर के कोई डिवाइस बन ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो आप चेक कर लेना, बिल्ड नंबर आपको लिखा हुआ सर्च करेंगे, बिल्ड नंबर लिखा हुआ नजर आएगा, उस बिल्ड नंबर पर जाकर आप रहना 7 times 8 times टैप करेंगे, जैसे मैंने अभी टैप करा, तो आपको वहां पर वो मैसेज दे देगा, यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है। इसके बाद आपको अब अगला काम क्या करना है, ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर टैप 7 times 8 times कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे को अगला क्या काम करना है, जब आप फिर से सेटिंग्स में जाएंगे आप दोबारा से, ठीक है, तो सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर एक
सर्च सेटिंग्स में जाकर फिर से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो यूएसबी, यूएसबी डीबगिंग आ जाएगा, ठीक है। और ये यूजर यूएसबी डीबगिंग जो है इस, ये हमारा अनेबल होना चाहिए, ठीक है। डेवलपर ऑप्शंस, ये हमारा डेवलपर ऑप्शंस आ गया, ये रहा डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है। ये रहा यूजर डेवलपर ऑप्शंस, ये हमारा अनेबल होना चाहिए, यूजर डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है। और इस यूजर डेवलपर ऑप्शंस के बाद इसी के अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पर ही डेवलपर ऑप्शंस के अंदर धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आपको यहां पर एक यूएसबी डीबगिंग लिखा हुआ नजर आएगा। ये भी हमारा हमारा अनेबल होना चाहिए फिजिकल डिवाइस में, ठीक है। और इसी के नीचे फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, हाँ धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे ऐसे ऐसे, आपको यहां पर लिखा नजर आएगा ऐसे वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी, ये रहा वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी, ये डिसेबल होना चाहिए, जैसे इसमें डिसेबल्ड है ये डिसेबल्ड ही होना चाहिए वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी। और अगर आपके मोबाइल में ये भी नजर आ रहा है वेरीफाई बाइट कोड्स ऑफ डिबगेबल एप्स, ये वाला सेकंड वाली ऑप्शन, अगर ये आ रहा है किसी मोबाइल में आता है किसी मोबाइल में नहीं आता, अगर ये भी नजर आ रहा है वेरीफाई बाइट कोड्स ऑफ डिबगेबल एप्स, तो उसको भी आपको डिसेबल करना है ऐसे। ये हमारे को मोबाइल के ऊपर बेसिक सेटिंग करनी है अपनी, ठीक है। तो ये हमने ये एमुलेटर पर भी सेम सेटिंग करनी है और फिजिकल डिवाइस पर भी सेम सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो सेटिंग्स को आप ऐसे बंद कर दीजिए। और उसके बाद अब आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाएंगे सीएमडी, और कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर आप एक कमांड लिखोगे ए डी बी डिवाइसेस। तो अभी मेरे को यहां पर ये फिजिकल डिवाइस, ये वर्चुअल डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है, एमुलेटर, ये इसका यूडीआईडी, इसे कहते हैं यूडीआईडी, एमुलेटर 5554। इसी तरीके से अब आप फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट करिए यूएसबी से, जैसे आप फोटो ट्रांसफर करते हैं तो यूएसबी से कनेक्ट करते हैं ना, वैसे अपने मोबाइल को फिजिकली कनेक्ट करिए अपने इसके साथ, लैपटॉप के साथ, और उसके अंदर फिर वो आपको एक ऑप्शन देगा, मतलब कि वो फोटो ट्रांसफर वगैरह उसको तो कैंसिल कर देना, वो आपको एक ऑप्शन देगा कि अलाउ, है ना, अलाउ कर ऐसे आपको एक ऑप्शन देगा, उसको अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। पहले मोबाइल को यूएसबी से कनेक्ट करिए, उस मोबाइल के ऊपर जो आप कनेक्ट करेंगे उसके अंदर हमारा डेवलपर ऑप्शंस ओपन होनी चाहिए, यूएसबी डिबगिंग ओपन होनी चाहिए, और वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी वो डिसेबल होना चाहिए हमारा, ठीक है। और वेरीफाई बाइट कोड ऑफ वो हमारा डिसेबल होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट, उसको कनेक्ट करिए, अलाउ कर दीजिए उसे। ये देखिए, अब यहाँ पर ये अलाउ से ये हमारे को डिवाइस कनेक्टेड हो गया आपका, ये फिजिकल डिवाइस कनेक्ट हो गया रहा। ये रहा, ये इसका यूडीआईडी आ गया, ये आपका फिजिकल डिवाइस का यूडीआईडी है, तो ये यूएसबी से कनेक्ट हो रहा है, उसके लिए वो अलाउ करने के लिए बोलता है। तो ये एडीबी हमारी कमांड होती है जो कि हमारे को बताता है लिस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो मेरे मोबाइल, जो मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है, और उनकी यूडीआईडी हमको बता देता है। तो इसका मतलब कि मेरे मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर आप यहाँ पर आकर देखोगे रनिंग डिवाइसेस के अंदर, या जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये रहा, तो जो हमारे डिवाइस मैनेजर है, ये हमारा ये डिवाइस मैनेजर, तो इसके अंदर आप देखो ये वाला डिवाइस भी दिखा रहा है, अब आपका भी कनेक्टेड दिखा रहा है ये वाला, ये रहा, और ये जो वर्चुअल डिवाइस है वो भी दिखा रहा है, दोनों डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड दिखा रहा है, क्लियर बात। तो हम लोग दोनों में से किसी को भी अब यूज कर सकते हैं। अगर मैं को ये वर्चुअल वाले को बंद करना है तो आप यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप, तो ये स्टॉप हो गया, तो ये फिजिकली कनेक्टेड है खाली, ये स्टॉप है, ये फिजिकली कनेक्टेड है हमारा, और फिजिकली कनेक्टेड के अंदर अब मैं दोबारा से यहाँ पर देखूंगा,
तो ये हमारा एडीवी डिवाइसेस से, ये हमारे को आप सिंगल डिवाइस ही कनेक्टेड दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, इतनी चीज हम लोगों ने अभी अपनी आज में रख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी जावा को इंस्टॉल करके एनवायरनमेंट सेट कर दिया, हम लोगों ने जो है उसको सेट कर लिया, क्या कहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो आपके सामने पूरा डाउनलोड करके कैसे इसको इंस्टॉल करना वो कर लिया, नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने, और साथ में हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, और उस प्रोजेक्ट को जाकर कैसे हम लोग उसको और उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर हमको डिवाइस के अंदर क्या सेटिंग्स करनी है वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी हमारे को जेडीके 8 की जरूरत है, तो आप अभी मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, तो आप अपना एक बार जो आपने अकाउंट क्रिएट करा है उससे आप एक बार दोबारा से डाउनलोड जेडीके 8 करिएगा, वहां पर ओरेकल की साइट पर जाएंगे और हमको X64 वाला, विंडोज X64 वाला को डाउनलोड करना, तो उसके लिए अकाउंट के अंदर लॉग इन करना पड़ता है ओरेकल का, तो आप एक बार दोबारा से उसको लॉग इन करके डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बस जेडीके 8 को सिर्फ इंस्टॉल करना है, उसका मेरे को कोई एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट नहीं करना, जावा होम वगैरह उसमें नहीं करना, हमको जो लेटेस्ट वाला जो हमारा जावा है सिर्फ उसका ही एनवायरमेंट सेट करना है, जेडीके 8 का मेरे को कोई एनवायरमेंट सेट नहीं करना, इतना कर लीजिएगा। अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे एपीएम सर्वर को डाउनलोड करेंगे और साथ में हम लोग फिर अपना एक ऐप को टेस्ट करके देखेंगे कैसे टेस्ट करी जाती है। क्लियर होगी बात?